दुर्ग के मठपारा कबड्डी मैदान में आयोजित होने जा रहे आयोजन को लेकर तैयारियां जोरों पर है। इस दौरान छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के द्वारा भूमि पूजन किया जाएगा। दुर्ग शहर के वार्ड 3 मठपारा स्थित कबड्डी मैदान में शुक्रवार को दुर्ग शहर की जनता के नाम छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णु देव साय द्वारा करोड़ों की सौगात देकर विकास कार्यों को लेकर भूमि पूजन किया गया। आपको बता दें कि इस दौरान कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री अरुण साव और गृह मंत्री विजय शर्मा, सांसद विजय बघेल और शहर विधायक गजेंद्र यादव सहित दुर्ग निगम महापौर धीरज बाकलीवाल, सभापति राजेश यादव सहित स्थानीय पार्षद नरेंद्र बंजारे मुख्य रूप से शामिल होंगे। रुकने दो, मैं एक तो कर दे रहा हूँ उसको। तुम लोग क्या सारे चार चार से काम करते हो। इस अवसर पर शहर के विभिन्न वार्डों में होने जा रहे विकास कार्यों के लिए राशि स्वीकृत की गई है, जिसमें लगभग 23 करोड़ की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी जा रही है। इसी परिपेक्ष में कार्यक्रम आयोजित स्थल पर निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर, जिला प्रशासन के अधिकारी और दुर्ग पुलिस की टीम द्वारा निरीक्षण कर स्थल का जायजा लिया गया। डी बनेगा तब तो बाकी काम होगा। जा आधा एक घंटे के काम है, जल्दी बुला। असली की भीड़ आएगी बोल रहे हैं। कम से कम देख सकते हैं, मौसम को देखते हुए निगम और जिला प्रशासन ने कार्यक्रम स्थल पर डोम लगाया है। साथ ही यहां की व्यवस्था को देखते हुए दुर्ग पुलिस चप्पे चप्पे की जानकारियां लेने में जुटी हुई है। इस संबंध में स्थानीय वार्ड पार्षद नरेंद्र बंजारे और निगम आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने जानकारी दी। माननीय छत्तीसगढ़ की मुखिया श्री विष्णुदेव साय जी जब चुनाव हुए थे वो तो हमारे माननीय विधायक जी यहाँ जगह जगह घूम घूम कर जनता से उन्होंने वादे किए थे, रोड नाली और भवन और कुछ ऐसे भी वादे किए थे जो अभी तक आज तक कभी हो नहीं पाए थे। उसमें तो चंडी चौक से नयापारा मार्ग का चौड़ीकरण था। आज कल जो भूमि पूजन होगा माननीय मुख्यमंत्री के माध्यम से, उसमें सबसे बड़ी सर्व समाज मांगलिक भवन अम्बेडकर भवन के नाम से जाना जाएगा और खेल का मैदान जो उरला में बनना है, ऐसे बहुत सारे पूरे 60 वार्डों का सीमेंटीकरण कार्य और नाली निर्माण का कार्य एवं अन्य मद से की जाने वाले खर्चे जो हैं वो इस विकास कार्य में किए जाने हैं। और ये पहला अवसर है कि दुर्ग शहर के लिए एक साल के अंदर, जिसमें 6 महीने हम आचार संहिता में हमने बिताए हैं, उसके बावजूद इतनी बड़ी राशि माननीय दुर्ग विधायक गजेंद्र यादव जी के अपने वादों के अनुसार और कड़ी मेहनत के अनुसार उन्होंने जो राशि लाई और विकास कार्य को एक फिर से नए पैगाम उन्होंने पहुंचाया, आज उसका दुर्ग शहर आजकल भूमि पूजन के रूप में इस क्षेत्र को चुना जिस क्षेत्र में कभी आज तक एक मंत्री भी नहीं आते थे। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमारे विधायक महोदय जी को और उनकी पूरी टीम को। अपने नगर निगम क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा भूमि पूजन कार्यक्रम है, जिसमें हमारे नगरीय प्रशासन के मंत्री जी भी उपस्थित रहेंगे, संभवतः डिप्टी CM विजय शर्मा जी भी उपस्थित रहेंगे और माननीय विधायक महोदय के नेतृत्व में और माननीय महापौर जी के निर्देशानुसार एक बड़ा भूमि पूजन का कार्यक्रम निगम द्वारा किया जा रहा है। इसमें लगभग 23 करोड़ के कामों का भूमि पूजन होगा, जिसमें सबसे प्रमुख अपना जो सर्व समाज के लिए मांगलिक भवन बनना है, अम्बेडकर सामाजिक मांगलिक भवन जो गया नगर में बन रहा है वो एक महत्वपूर्ण है। साथ ही शिक्षक नगर में एक पानी टंकी का भी निर्माण होना है, उसका भी भूमि पूजन है। इसके अतिरिक्त विभिन्न रोड निर्माण का 8 करोड़ का भूमि पूजन है। इस प्रकार के लगभग 23 करोड़ के कामों का है, एक नगर निगम के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। ACN न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।